नमस्कार, मैं कुणाल कुमार। मेरे YouTube चैनल कलर्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मछली पकड़ने का देसी तरीका, या फिर जुगाड़ कह लीजिए। अभी मैं रास्ते में हूँ। यह देखिए धान की खेती, जो बारिश होने पर और ज़्यादा हरा और स्वस्थ दिख रही है। बारिश का मौसम है इसलिए सब कुछ बहुत ही हरा और बढ़िया दिख रहा है। बारिश होना धान के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि धान को बहुत पानी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, नहर छोटा सा, ये बारिश के पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। बारिश खत्म होने के बाद इसके पानी का उपयोग खेती में किया जाता है, जो बरसात के पानी को रोकने का बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका है। इस नहर में मछली पालन भी होता है और गर्मी के दिनों में खेतों का सिंचाई भी होता है, दोनों हो जाता है एक साथ। और लीजिए, हम पहुँच गए। इसमें मछलियाँ पहले से ही फंसी हुई है। इसे लोकल भाषा में डिगरी कहा जाता है। जब पानी का बहाव ऊंचाई से नीचे आता है, इसी जगह इसे लगाया जाता है। यह लकड़ी का होता है। पानी के फलों के साथ मछलियाँ आती हैं और इसमें फंस जाती है, और बचा हुआ पानी नीचे निकल जाता है। इसमें मछली पकड़ना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको हुक नहीं लगाना है। हुक वाले में बहुत ही प्रॉब्लम और बहुत समय लगता है। इसमें आप एक बार डिग्री लगा दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए, मछली ऑटोमेटिक इसमें आकर फंस जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ डिग्री वाला नहीं है, बिल्कुल खाली है। यहाँ इसमें ज़्यादा बड़े आकार की मछलियाँ नहीं फंसती हैं, छोटे और मीडियम साइज की मछलियाँ पकड़ती हैं। इस तरह के टेक्निक सिर्फ बरसात के दिनों में ही काम आता है।